आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में, इस चैनल में जो कि टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मोबाइल के जो एवोल्यूशन हुआ है, उसका जो रेवोल्यूशन हुआ है, और जो मोबाइल आज की स्थिति में है उसका जो फ्यूचर है। और मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल में जो आजकल जो स्मार्टफोन चल रहे हैं, अब वो उनका ज़माना जा रहा है। तो इसके बदले में क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरा हाथ थामे रखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण चौहान और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। तो दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ उसे इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां पर छोटा सा रेड बटन उसे दबा दीजिए, साथ में एक बेल आइकन है क्योंकि उसे दबाना बहुत ज़रूरी है ताकि मेरे जो भी नए वीडियो बनेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आपको जानकारी हो जाएगी कि इस चैनल पर क्या चल रहा है। और जो भी पुराने सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ इस बेल आइकन को एक बार ज़रूर दबा लें और इस चैनल पर आने वाले हर वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मोबाइल आखिर शुरू कैसे हुआ। ये सारा मैं अपने जो मेरा खुद का नॉलेज है उससे मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ मैंने कुछ सुना पढ़ा देखा उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ या एक्सपीरियंस किया, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी कि जब मोबाइल शुरू हुआ था तो उस समय कुछ ऐसा था कि ये एक तरह से वॉकी टॉकी के रूप में करना चाहते थे, लेकिन ये इतना ज़्यादा एफिशिएंस था कि इन्होंने इसको एक तरह से लोकल यूज़ के लिए, पब्लिक यूज़ के लिए भी इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। और ये जो फ़ोन थे पहले बड़े बड़े फ़ोन आते थे, ईंट से बड़े साइज़ के आते थे, बहुत भारी हुआ करते थे। और ये शुरू में एक्चुअली में जो मोबाइल है इनकी पोर्टेबिलिटी के वजह से इनका नाम मोबाइल पड़ा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह ले आ सकते थे पहले। और आपको तो पता ही होगा जैसे पहले टेलीफोन चला करते थे और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेलीग्राम चलते थे और इस तरह से चीज़ें चलती थी, लेकिन ये मोबाइल ने एक ऐसा रेवोल्यूशन लाया है क्योंकि ये आपको किसी जगह बंधे रहने की बात नहीं करता था, ये करता था कि आपको आज़ादी का एहसास कराता था। आप अपनी कार में घूम रहे हो, कार के भी इसमें फ़ोन्स आए थे, और आप अपनी गाड़ी में घूम रहे हो, घर से बाहर हो, कहीं पर भी हो, तो आपसे संपर्क किया जा सकता है, आप किसी से संपर्क कर सकते हैं, किसी एक जगह फिक्स रहने की अब ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरह से मोबाइल का एवोल्यूशन शुरू हुआ और धीरे धीरे जब दूसरी कंपनीज को पता चला तो उन्होंने भी मोबाइल के हैंडसेट बनाने शुरू कर दिए। तो दोस्तों पहले जो मोबाइल आया करते थे पहले काफ़ी बड़े हुआ करते थे और हैवी हुआ करते थे, मोटे और हैवी हुआ करते थे। और मुझे ध्यान है जहाँ तक कि जब भारत में शुरू में मोबाइल के जो ऐड आया करते थे तो उसमें एक बच्चा ऐसे फ़ोन गिराता था और नीचे गिरता था और वो मोटोरोला का फ़ोन था और मोटोरोला का फ़ोन उन्होंने बोला कि काफ़ी मजबूत है, टूटेगा नहीं। तो इस तरह से मोटोरोला का, नोकिया का, सैमसंग का, एप्पल का और काफ़ी सारे फ़ोन्स पहले चला करते थे जिन्होंने अपनी अपनी चीज़ें डालना शुरू की। जैसे कि एप्पल ने शुरुआत की, ऐसे मुझे जहाँ तक पता है कि टच स्क्रीन की भी शुरुआत एप्पल ने की थी, लेकिन मुझे जहाँ तक ध्यान है कि भारत में जो इसका सबसे पहले मैंने ऐड देखा था वो था आमिर खान का और सैमसंग का कोई फ़ोन था जहाँ पर टच स्क्रीन थी, लेकिन शुरुआती टच स्क्रीन जो थी वो बड़ी कड़क हुआ करती थी जिसमें पेन, एक एस पेन नहीं बल्कि एक कुछ हार्ड पेन से उसमें आपको करना पड़ता था, तो उससे ही आप पहले टच स्क्रीन वही कहलाती थी। और फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि चाइनीज़ फ़ोन भी आना शुरू हुए और चाइनीज़ फ़ोन की आवाज़ें और उनकी जो बड़े बड़े फ़ोन हुआ करते थे। फिर मैंने देखा कि फ़ोन में काफ़ी चेंजेस आना शुरू हो गए, जैसे कि उसमें बैक में कैमरा आना शुरू हो गया। अब कैमरा आया तो लोग फ़ोन खींचते थे तो बड़ा अजीब सा होता था कि उनके फ़ोटो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं उनको पता नहीं चलता, तो नीचे एक छोटा सा ऐसा छोटी सी एक लगाते थे जैसे कि उसमें मिरर टाइप होता था जिसमें आप अपने खुद को देख के फ़ोटो खींच सकते थे। फिर फ्रंट में कैमरा आया और स्पीकर फ़ोन आने शुरू हुए और इतने सारे उसमें एवोल्यूशन शुरू हो गया। और साथ साथ में टच स्क्रीन में भी इतनी सारी चीज़ें हुई कि टच स्क्रीन धीरे धीरे इतना सेंसिटिव बनाने लगे कि आप अपनी उंगली से भी उसे टच करके उसे चला सकते थे। तो दोस्तों इस तरह से फ़ोन का एवोल्यूशन हुआ, जो आज भी टच स्क्रीन चल रही है ये उसी मेथड पर काम कर रही है कि आप अपनी उंगली से उसको टच करके चला सकते हैं। एस पेन भी है लेकिन मेन तो आपकी टच से ही काम करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से शुरुआत में फ़ोन जो थे आपने देखा होगा उसमें एंटीना भी लगा करते थे और स्क्रीन इतनी छोटी हुआ करती थी, उसमें पहले ब्लैक एंड वाइट चला करते थे, जो उसके रिंगटोन थी बड़ी टी टी टू टी टू जैसे चलती थी तो वो भी आप बना भी सकते थे फ़ोन में, तो वो रिंगटोन हुआ करती थी। फिर MP3 रिंगटोन आई, फिर उसके बाद आप सॉन्ग भी उसमें डालने लगे।
तो इस तरह से दोस्तों इसमें रेवोल्यूशन, इसका एवोल्यूशन जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से और जल्दी जल्दी हुआ है। अभी कुछ समय में ये मोबाइल का जो एवोल्यूशन बहुत तेज़ी से हुआ है। और फिर उसके बाद स्क्रीन में उन्होंने लाइट डालना शुरू करी, स्क्रीन में उन्होंने इतनी छोटी स्क्रीन में कलर डालना शुरू किए। फिर उसके बाद उसमें बैक लाइट वाली स्क्रीन आना शुरू हुई, जिसमें साइड से लाइट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अब बैक लाइट के ज़रिए ही उसमें सारा दिखाया जाए, जो आजकल टेक्निक चल रही है बैक लाइट वाली। तो इस तरह से दोस्तों मोबाइल के और रेवोल्यूशन हुआ। फिर धीरे धीरे अब क्या हुआ कि मोबाइल को शुरू में जो सेल फोन भी लोग बड़े शान से कहते थे कि सेल फोन है, बीच में पेजर भी बहुत ही धूम मचाया था पेजर ने, और खैर पेजर की मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा, लेकिन ये मोबाइल का बता दूँ कि आपने देखा होगा एंटीना का पहले फ़ोन था, फिर उसके बाद उसका एंटीना हटाया गया और उसके अंदर ही उसमें एंटीना को लगा कर फिर उसके बाद उसको मोबाइल की तरह एक शक्ल दी गई, तो मोबाइल लोग कहने लगे। फिर उसके बाद मोबाइल में उन्होंने FM जोड़ा और उसमें मेमोरी कार्ड जोड़ी, उसमें सिम में पहले जो इसमें SMS हुआ करते थे लिमिटेड थे, कॉन्टैक्ट थे वो लिमिटेड थे आप रख सकते थे, लेकिन धीरे धीरे मोबाइल में ही वो कॉन्टैक्ट SMS सब चीज़ रखने लगे, फ़ोटो खींचने लगी, तो अब उसमें आप गाने भी सुन सकते थे। तो फ़ोन को अब कहा गया मल्टीमीडिया फ़ोन। दोस्तों बीच में मल्टीमीडिया फ़ोन इतना चला था कि एक तरह से उसकी धूम थी, तो मल्टीमीडिया फ़ोन आया जिसमें आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते थे, ऐसी बड़ी बड़ी मेमोरी कार्ड आती थी तो वो आप लगा सकते थे। फिर उसके बाद शुरू हुआ मोबाइल का और रेवोल्यूशन हुआ, तो मोबाइल धीरे धीरे आ गया एंड्रॉयड से आने के बाद, उसके बाद स्मार्टफोन की कैटेगरी में आ गया। दोस्तों आज जो चल रहा है मोबाइल, आप सभी सुनते होंगे कि मोबाइल आजकल स्मार्टफोन हो गया है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि ये स्मार्टफोन का भी डाउनफॉल शुरू होने वाला है, वो क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जो 660 जो स्नैपड्रैगन की चिपसेट है वो AI बेस्ड है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि AI न सिर्फ प्रोसेसर में आ रहा है, कैमरा में भी आ रहा है, बैटरी की उसके ऑप्टिमाइजेशन में भी आ रहा है, और दूसरी चीज़ों में, इतनी सारी चीज़ों में अब AI आ रहा है कि आपका फ़ोन उसका जो फ्यूचर है वो मैं आज आपको बताता हूँ। ये शायद आज किसी ने भी नहीं बोला होगा, किसी भी चैनल पे देख लीजिए ये डिक्लेरेशन किसी ने भी नहीं किया होगा, ये जो मैं करने जा रहा हूँ कि आगे स्मार्टफोन का नाम बदल कर स्मार्टफोन का डाउनफॉल हो जाएगा, लेकिन बंद नहीं होगा वो, क्योंकि जैसे आपने पुराने फ़ोन भी देखेंगे कि आज भी कीपैड पर फ़ोन चल रहे हैं, तो स्मार्टफोन बदल कर हो जाएगा AI फ़ोन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ़ोन या फिर iPhone, इस तरह से कोई एक नाम आ जाएगा, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि इतनी सारी AI आपके मोबाइल के अंदर जुड़ती जा रही है, हर चीज़ में, हर चीज़ उसमें जुड़ती जा रही है, तो आपका फ़ोन आगे से इंटेलिजेंस होने जा रहा है, क्योंकि फ़ोन आपकी हरकतों को समझेगा, फ़ोन आपकी बातचीत के अंदाज को समझेगा, फ़ोन आपके काम को समझेगा, फ़ोन आपके आने जाने के तरीके को समझेगा, फ़ोन आपको उसको यूज़ करने का समझेगा, फ़ोन हर चीज़ को एक तरह से उसकी कैलकुलेशन करेगा कि आप क्या यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, और उस फ़ोन को आपके हिसाब से और बेटर बनाने की कोशिश करेगा। तो फ़ोन अब स्मार्ट नहीं हो जाएगा, वो फ़ोन अब इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो दोस्तों आगे इसका फ़ोन का नाम जो होने जाएगा वो AI फ़ोन या इंटेलिजेंट फ़ोन या इंटेलिजेंट iPhone, इस तरह से कुछ तो होगा। तो मेरे ख्याल से अब स्मार्टफोन का ज़माना जा रहा है और AI फ़ोन का ज़माना आ रहा है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और जो मेरे जितने भी कैलकुलेशन थे, जितने मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने आपको सारा इसमें डालने की कोशिश की है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, और कमेंट में आपके भी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, इसमें कुछ आप ऐड कर सकते हैं तो प्लीज़ दूसरों को भी बताइए और अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि सभी लोग ये जान जाएँ और अपने कमेंट करके अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आपके लिए नए नए आइडिया, व्यूज़ और अपने वीडियोस लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा। तो मेरे अगले वीडियो के लिए आप ज़रूर इंतज़ार कीजिए, तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।